कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला। तो हम चैलेंज करते हैं इस बात को, ये 100% झूठी बातें हैं, मत पढ़ो इन पाखंडों में। खास करके सत्संगी जो फंसे हुए ना, वो भूल जाते हैं यार जान बचाने वाला सतगुरु, वो टाइम को भूल जाते हैं और नई नई चीजें करते रहते। नहीं, वहां मैंने ये किया था तो ये निकला था, फला माता के पास गया, फला बाबा के पास गया तो ये निकला, जिस दिन से नहीं गया तो ये हो गया, इतना नुकसान हो गया। और वो भूल जाते हैं जिसने जान बचाई थी, अगर वो ही ना बचाता तो तू और तेरा बाबा दोनों वहां बैठे होते। वो भूल ही जाते हैं उन चीजों को। अरे मत पड़ा करो ऐसे बाबा के पाखंडों में, ढोंग ढकोसलों में, कुछ नहीं रखा। आपको गांव की बात सुनाते हैं, हमने आंखों से देखी, हम नहीं चाहते आप लोग ऐसा करो, पर अब सच्ची बात याद आ गई। एक हाथ देखने वाले सज्जन आए, ये राजस्थान का गांव था, हम छोटे थे और हमारे एक चाचा जी कहते थे हम उनको, वो थे उनका हाथ देख रहे थे, वो इन चीजों में यकीन नहीं करते थे। तो हाथ देखते देखते कहने लगा, आप पे तो बहुत सारे ग्रह हैं। कहता अच्छा, कहता जी मंगल जी का है वो तो चलो मैं जैसे तैसे निकालूंगा, फिर शनि जी आ जाएंगे वो तो बड़ी गड़बड़ करेंगे, उसको भी मैं निकाल दूंगा, फिर राहु केतु आ जाएंगे, बहुत बोझ है आपके ऊपर। तो वो कहने लगा, महोदय मुझे यूं लगता है बोझ आप पे आने वाला है। कहने लगा, ना 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 ना, हम पे कोई बोझ बाज नहीं आते, वो तो आप पे आने वाला है। कहता मुझे लग रहा है कि तेरे पे बोझ आने ही वाला है, वो ट्रेवल करना शुरू कर दिया बोझ ने। कहता ना जी हम पे नहीं होता, वो जाट जमींदार था बेचारा जो बोल रहा था कि तेरे पे बोझ आने वाला, नहीं माना। उसने उससे मांग रहा था कि मुझे 101 रुपया दे दो, इतने गेहूं दे दो, इतने चने दे दो, तो मैं इन सब राहु केतु सबको भगा दूंगा। तो जाट जमींदार कहने लगा, तेरे पास ग्रह पहुंच गया। वो हाथ देखने वाला कहता नाना जी हमारे पास नहीं पहुंचता। कहता ले बेटा, तड़ाक से एक मारा कान पे बहुत जोर से, और हम देख रहे थे वो लुटकता हुआ आगे गिरा, उसकी गेहूं इकट्ठी की हुई जो इस यहां टंगी हुई थी, बहुत सारा सामान वहीं छोड़ के वो भाग गया पूरी स्पीड से। कहता मैंने तो तेरे को पहले कहा था कि ग्रह तेरे पास आ गया बिल्कुल, तुझे खुद का ग्रह तो दिखा नहीं, मेरे ग्रह तुझे दिख रहे हैं, मैं तेरे सामने ही बैठा था। अब सांकरी गली थी जैसे ये गली है, तो दो बाप बेटा थे वो हाथ देखने वाले, बाप इधर निकल गया बेटा उधर निकल गया। अब बीच में वो खड़ा हो गया जो ग्रह था, जो कह रहा था ग्रह ग्रह, जिसने एक मारा था। अब हम उसके बच्चे के पास गए, क्या हाल है, वो रो रहा। हमने कहा क्या हो गया भाई? कहते यार मुझे मेरे बापू से मिलाओ। तो हमने कहा मिल ले, गली ऐसी थी। कहते ना ना बीच में ग्रह खड़ा है। तो हम उसके फादर के पास गए, हम बच्चे थे ऐसे मजा आ रहा था कि भी अच्छा ये बड़ा कुछ कर रहे थे। उसके पास गए, भाई क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? कहते मेरा बेटा वो हो रहा। तो चले जाओ। कहते भयंकर ग्रह खड़ा है बीच में, भयंकर ग्रह। तो हमने उनके पास गए, चाचा ताऊ जो हो गया छोड़ो ना आप। कहता नहीं इसे पूछ लो मेरा ग्रह बाकी है कि नहीं अभी। तो हमने उनसे कहा कि आपको बोल दो कि आपके ग्रह तो उतर गए। तो उसने कहा ए जाट महाराज आपके तो सारे ग्रह उतर गए, आप में कहां ग्रह आने वाले। कहता चंगा चंगा फिर मैं घर जाता हूं। फिर वो घर गया और फिर वो बाप बेटे का मिलन हुआ। तो भाई ऐसा करना मत, हम नहीं चाहते ऐसा करो, वो गलत था कि मारना मराना बिल्कुल गलत होता है, लेकिन ये है पाखंडवाद। माता बहने तो झट से अच्छा मेरे हाथ को देख मेरी उम्र कितनी है, वो उसके पास थोक की उम्र नहीं है जो तेरी उम्र बढ़ा देगा, वो तो बेचारा खुद की उम्र भोग रहा है कि कैसे तैसे आप पैसा दे दो बेचारे को कुछ खाने को मिल जाए। वो ज्योतिषी गए जो सही बताया करते थे, आज पाखंडी ज्यादा हैं। कोई टाइम था वो बताया करते थे सच था, कुछ ना कुछ वो ज्योतिषी कर लेते थे, आज भी कोई ना कोई होगा, पर वो बेचारा हो सकते जंगलों में बैठा हो या कहीं और बैठा हो। ज्यादातर पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं।